हेलो एवरीवन आज हम करेंगे एक क्लास फोर्थ का ईवीएस का चैप्टर नंबर टू ईयर टू ईयर सो इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के ईयर्स किस टाइप के होते हैं कुछ के बाहर दिखाई देते हैं कुछ के नहीं देते सो so, वो सब क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सो so, फर्स्ट है हु हैज़ गोड माई ईयर्स अब देखो सबके जो है हाँ आप देखोगे अलग अलग ईयर्स जो उनके होने चाहिए वो नहीं हैं तो अब यहाँ पर यही चीज़ है आर दीज एनिमल लुकिंग फ़नी क्या ये एनिमल्स फ़नी नहीं लग रहे द आर्टिस्ट हैज़ ड्रोन रोंग ईयर्स ऑन द हेड ऑफ द एनिमल्स अब आर्टिस्ट ने क्या किया है सारे एनिमल्स के रोंग ईयर्स ड्रो कर दिए हैं गिव करेक्ट ईयर टू द एनिमल इन द स्पेस गिवन बिलो अब यहाँ पर हमें करेक्ट एनिमल का ईयर लिखने की कौन सा किसका है अब एलिफेंट है एनिमल ठीक है एलिफेंट के ईयर किसके पास दिए हैं यहाँ पर सॉरी एलिफेंट को किसके ईयर मिले हैं माउस के ठीक है देन रेबिट रेबिट को किसके मिले हैं जीराफ के देन माउस माउस के पास किसके हैं डोग और जिराफ जिराफ के पास इतने बड़े बड़े हैं तो बड़े बड़े किसके होते हैं ईयर्स एलिफेंट देन उसके बाद डोग डोग के पास किसके हैं रैबिट के एंड बफेलो। बफेलो के पास किसके ईयर्स हैं डियर के एंड डियर के पास किसके हैं बफेलो के नेक्स्ट है डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर्स सारे एनिमल्स के अलग अलग ईयर्स और अलग अलग टाइप के ईयर्स होते हैं अमंग द एनिमल्स गिवन बिलो विच वन हैव इयर डेट कैन यू सी एन विच एनिमल कैन यू नोट इन विच एनिमल कैन यू नोट सी दयर्स अब कौन से एनिमल ऐसे हैं जिनके ईयर्स आपको दिखाई देते हैं और कौन से ऐसे जिनके नहीं दिखाई देते सो so, जो दिखाई देते हैं उनको हम सर्कल कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल डियर के हमें ईयर्स दिखाई देते हैं देन टाइगर एंड पिग के भी दिखाई देते हैं फ्रॉग के हमें नहीं दिखाई देते हैं देन है स्पैरो के नहीं दिखते हैं डक डक के भी नहीं दिखाई देते हैं फिश के नहीं हैं देन बफेलो जिराफ एलिफेंट एंड कैट तो इनके हमें दिखाई देते हैं और बाकी जो बचे हैं वो कौन से एनिमल हैं जिनके ईयर्स हमें नहीं दिखाई देते जो हमें लिखना है यहाँ पर और जिनके दिखाई देते हैं वो हमें लिखने हैं यहाँ पर नाउट डो यू थिंक डेट द एनिमल हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैवर ईयर्स क्या एनिमल्स का ऐसा होता है कि अगर हमें उनके एनिमल सॉरी ईयर्स नहीं दिखाई दे रहे हो तो इसका मतलब उन्हें क्या सुनाई ही नहीं दे रहा है सो तो ऐसा नहीं होता है या फिर उन्हें जो है उनके ईयर्स है ही नहीं ऐसा नहीं है सारे एनिमल्स के ईयर्स होते हैं नो दे हैव ईयर्स बट हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि वो अंदर की तरफ फिडन होते हैं नाउ अब यहाँ पर देखो पिक्चर्स दी हैं इन्हें हमें ऑब्जर्व करना है नाउ नेम द एनिमल इन द पिक्चर्स अब यहाँ पे जो एनिमल्स उनके नाम लिखो कौन कौन है डक पैरेट फ्रोग स्पैरो हैन एंड क्रो तो ये हो गए सब नाउ कैन यू सी देअर एनिम सॉरी ईयर्स क्या आपके इनके ईयर्स दिखाई देते हैं आंसर विल बी नो दे ओल है सब के ईयर्स हैं इवन दो वी कैन नोट सी दैम यहाँ तक कि हमें नहीं दिखाई देते इनके ईयर्स बट इनके ईयर्स होते हैं नाउ फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव इयर्स डेट वी कैन नॉट सी और कौन से एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स होते हैं और हमें नहीं दिखाई देते हैं फॉर एग्जाम्पल फिश फ्लाई मोस्किटो क्रोकोडाइल एक्सेट्रा तो ये सब आप लिख सकते हैं देन रीड एंड राइट अब एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन ऐसा एनिमल जिसके ईयर्स जो है फैन की तरह होते हैं तो वह क्या होता है एलिफेंट एन एनिमल्स विच सॉरी विद ईयर लाइक लीव्स ऐसा एनिमल जिसके जो है ईयर्स दो हैं लीव्स यानी कि पत्तों की तरह होते हैं तो वो कौन होता है रैबिट नेक्स्ट है एन एनिमल विच ईयर विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ द हेड कौन सा एनिमल ऐसा है जिसके जो है सर के ऊपर होते हैं सो ये भी कौन है रैबिट एन एनिमल विद ईयर ऑन बोथ साइड ऑफ इड इट्स हेड जिसके जो है सर के दोनों तरफ होते हैं तो वो कौन होता है डोग नेक्स्ट है यू नो वेरी वेल डेट ईयर्स हेल्पअस टू ईयर हयर आपको पता है कि ईयर्स से हम क्या करते हैं सुनाई देते हैं हमें इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स इन सम यू कैन नोट कुछ एनिमल क्या ईयर्स हमें दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं दिखाई देते हैं वी कैन नोट सी अ बर्ड्स ईयर हमें जो है बर्ड्स जो होते हैं उनके ईयर्स नहीं दिखाई देते अब बर्ड्स हैज़ टाइनी होल ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स बर्ड्स के क्या होते हैं छोटे छोटे होल होते हैं उसके हेड के दोनों साइड जर्नली द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स और क्या होता है जो फेदर्स होते उनसे जो हैं उनसे उनके जो होल्स हैं छिपे होते जिसकी वजह से हमें वो नहीं दिखाई देते हैं दे हेल्प द बर्ड टू ईयर और ये ही हेल्प करते हैं बर्ड की सुनने में नाओ इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन अ लेजार्टेड अगर आप आ, किसी लेजार्ड को देखते हैं तो उसके जो है ध्यान से अगर आप देखेंगे तो उसके जो है सर के दोनों तरफ आपको छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे एंड दीज आर इट्स ईयर ये क्या होते हैं इसके ईयर्स होते हैं नाव अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज ईयर लाइक दिस क्रोकोडाइल के भी इसी तरह होते हैं बट बट वी कैन नॉट सी इट दैम ईजली इसी तरह से हम उनको आराम से नहीं देख सकते क्योंकि उनके भी छोटे छोटे होल्स होते हैं नाउ होल स्किन अब ईयर्स का था सेम स्किन के लिए आ गया नाउ यू नो हाउ टू रिकोगनाइज एनिमल बाई देयर ईयर्स अभी आपने देखा कि आप एनिमल्स को कैसे पहचान सकते हैं उनके ईयर से ठीक है लेट्स सी इफ़ वी कैन रिकोगनाइज एनिमल बाय देयर स्किन अब देखना है कि क्या हम उनको उनकी स्किन से भी पहचान सकते हैं अब यहाँ पर हमें क्या करना है इस पिक्चर में मैच द एनिमल सोन हेयर विद द पिक्चर ऑफ देयर स्किन अब एनिमल्स को उनकी स्किन जो है उस पिक्चर को और उनकी स्किन को आपस में मैच करना है एंड मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल और फिर उसके ऊपर एज इट इज आपको ड्रो करना है जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका टाइगर देन ये हो गया इनके लिए स्क्र देन डियर जेबरा एंड दिस इज लियोपर और सेम जो है आपको इसके ऊपर इसी तरह से ड्रो करना है जो उनकी स्किन है वो ही नाउ द डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देअ स्किन अब ये पैटर्न क्यों बनते हैं ये पैटर्न बनते हैं उनकी स्किन की वजह से स्किन पे जो हेयर है उनकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न उनके बनते हैं हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैज़ बिन रिमूव क्या आप कभी आपने ऐसे एनिमल को देखा जिसके जो है हेयर है, है ही नहीं या फिर उसके रिमूव किए गए हैं इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ओन इट्स स्किन अब यह सोचो कि अगर किसी भी एनिमल की स्किन पर बिल्कुल भी बाल नहीं हैं तो कैसे दिखाई देंगे सो so, उससे क्या होगा वहां पर कोई भी पैटर्न नहीं होगा सबकी स्किन जो है बिल्कुल सेम हो जाएगी नाउ यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल गिवन बिलो आपने ये सारे एनिमल्स देखे होंगे न पुट द नेम ऑफ द एनिमल इन द टेबल गिवन अब यहाँ पर आपको इन सब के नाम लिखने हैं कौन से फर्स्ट ईयर्स कैन भी सीन जिनके ईयर दिखाई देते हैं हैज़ हेयर ऑन द स्किन और उनके हेयर भी हैं ठीक है ईयर्स कैन नोट्स भी सीन एंड हैज़ फैदर ऑन द स्किन जिनके फैदर्स हैं और ईयर्स नहीं दिखाई देते और ईयर्स हैं और जिनके स्किन पे हेयर होते हैं सो फर्स्ट फोक्स fox elephant then pig mouse buffalo cat cow and camel ठीक है उसके बाद में हमारा क्या बचा है sparrow frog crow peacock लेजर हैंड पिजन डक ये बच गए अब इनके होते हैं हमारे ईयर्स अब इनमें से किसके पे जो है आपको देखने को मिलते हैं हेयर्स तो मोस्टली इन सब पे ही आपको क्या है हेयर्स भी दिखाई देते हैं तो ये तो सेम रहेगा इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि सब पे हेयर्स होते हैं देन ईयर्स कैन नॉट सीन अब ये जो बाकी बचे हैं इनमें से किसी के भी ईयर्स आपको नहीं दिखाई देते हैं और इसमें से किस, किस के फैदर होते हैं तो फैदर किस किस में होते हैं सो so, फैदर हमारे रहेंगे अब फैदर के लिए हम ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं सो so, फैदर जो है हैन का क्रो स्पैरो पिकोक पीजन एंड डक इनके फैदर होते हैं लेजार एंड फ्रोक के फैदर्स नहीं होते हैं ठीक है अब ये जो रेड कलर वाले हैं इनके ईयर्स होते हैं और इनकी स्किन पे जो है हेयर भी होते हैं नाउ नेक्स्ट इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काओ एंड द बफेलो अब बफेलो और काओ को आपने कौन सी लिस्ट में पुट किया था हमने उसमें पुट किया था कि उनके ईयर दिखाई देते हैं और उनकी जो है स्किन पर हेयर होते हैं ओके नेक्स्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सीधा हेयर ऑन देयर स्किन क्या आप डिस्टेंस से मतलब थोड़ी दूर अगर खड़े हैं तो क्या उनको दिखाई देते हैं उनके हेयर्स उनके हेयर नहीं दिखाई देते लेकिन ट्राई टू गो नीयर वन ऑफ देम उनके पास अगर जाते हैं तो कुड यू सीधा हेयर तो आपको उनके हेयर जो है दिखाई देते हैं इफ़ यू व टू मीट एन एलीफेंट अगर आपको एक एलिफेंट से मिलना है वुड यू डेयर टू टच इट क्या आप डेयर करेंगे कि उसे टच कर पाएं तो आई थिंक यू कैन डेयर सो डू यू नो डेट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट स्किन और एलिफेंट के भी क्या होते हैं अपने हेयर होते हैं उनकी स्किन पर नेक्स्ट है कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल मैंशन इन द लिस्ट लीज एग अब ऊपर जो लिस्ट थी उसमें से कौन से एनिमल जो हैं एग जो है ले करते हैं मतलब एग देते हैं एंड फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ द एनी दीज एनिमल इन द ग्रीन बुक्स इनका नाम हमें ग्रीन बॉक्स में लिखना है एंड जो रेड बॉक्स है उसमें क्या करना है विच ऑफ द एनिमल इन द लिस्ट गिव बर्थ टू द बेबीज बेबीज को जो बर्थ देते हैं उनका नाम हमें इसमें लिखना है रेड वाले बॉक्स में सो फर्स्ट ऑफ ग्रीन में है तो एग वाले कौन कौन से हैं फ्रोग हैन क्रो स्पैरो पिकोक, लिजार्ड दे पीजन एंड डक ओके अब जो बेबीज को बद देते हैं वो कौन से हैं फोक्स माउस एलिफेंट कैट कैमल एंडलो पिग एंड का ये जो है एलिफेंट को बॉरी बेबीज को बर्थ देते हैं ना लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रिवियस पेज अब दोबारा देखो ड्रो अ लाइन अंडर द नेम ऑफ द एनिमल हुज नेम आर इन द ग्रीन बोक्स एंड पुट अ सर्कल अराउंड द नेम ऑफ दोज एनिमल हुम आर इन द रेड बॉक्स अब देखो सेम आपको क्या करना है ऊपर जो हमने ये लिस्ट बनाई थी इस पर फिर से जाना है देन जो वहाँ पर जो सॉरी जो ग्रीन वाले बॉक्स में है उनको जो हमें सर्कल करना है और जो रेड वाले बॉक्स में है सॉरी ग्रीन वाले बॉक्स में हमें अंडरलाइन करना रेड वाले बॉक्स को हमें सर्कल करना है वहाँ पर सो व्हाट डिड यू नोट अब उससे आप क्या नोट करेंगे दोज एनिमल हुज ईयर यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी कि जो से एनिमल्स के ईयर दिखाई देते हैं ना उनके बाल भी होते हैं हेयर्स भी होते हैं उनके बॉडी पर एंड दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द बेबीज और वो बेबीज को बर्थ देते हैं ओके okay? मतलब जिसके ईयर्स दिखाई देते हैं उनके हेयर भी होते हैं उनको बेबीज जो बर्थ देते हैं वो बेबीज को देते हैं एंड दोज एनिमल्स डेट डो नॉट हैव इयर्स ऑन द आउटसाइड और ऐसे एनिमल जिनके ईयर्स आपको नहीं दिखाई देते हैं बाहर मीन्स छोटे छोटे होल होते हैं सो डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी उनकी बॉडी पे हेयर भी नहीं होते हैं दीज एनिमल लेज एग एग्स और वो क्या करते हैं एग देते हैं नाउ हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल डेट हैव स्मॉल बेबीज अब क्या आपने कोई ऐसा अपने आसपास कोई ऐसा एनिमल देखा जिसके छोटे छोटे बच्चे हों अपने स्कूल या कहीं भी राइट देयर नेम इन योर नोटबुक अगर देखा है तो उसके नाम लिखो जैसे डोग पिक कैट रेट ये कुछ भी हो सकता है हैव यू एवर कैप्ट पेट अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कभी पेट रखा है या नहीं और अगर रखा है तो वो क्या है या फिर आप किसी और को देखते हैं कि किसी ने कोई पेट रखा है अपने जान पहचान में किसी का तो वो आप लिख सकते हैं नाउ फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट अब उस पेट के बारे में आपको डिफरेंट चीज़ें फाइंड आउट करती हैं विच एनिमल इज इट तो ये कौन सा एनिमल है सो मोस्टली जो डोग या कैट ही रहता है सो so, आप वो लिख सकते हैं और किसी का कोई और डिफरेंट है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं डज इट इट हैव अ नेम अब क्या उसका कोई नाम भी है तो नाम भी आप लिख सकते हैं सो क्या नाम लिखेंगे स्कूबी नाउ हु गेव इट दिस नेम अब ये नेम किसने दिया हो सकता है कि इस इज गिवन बाई मी और माई पेरेंट्स समथिंग लाइक दिस वट डज इट लाइक टू ईट अब उसको जो है खाने में क्या पसंद है तो ब्रेड मीट और बिस्किट तो ये सब आप लिख सकते हैं हाउ मैनी टाइम्स अ डे इट इज गिवन फूड उसे जो है कितनी बार जो है खाना दिया जाता है दिन में सो थ्री टाइम्स वेन डज इट्स स्लीप ये जो है सोता किस टाइम है एंड फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप सो कब सोते हैं मोस्टली डोग जो है ड्यूरिंग द डे टाइम जो है सोते हैं एंड कितने देर के लिए फाइव टू सिक्स आवर्स टू सिक्स आवर्स इस दिन यानी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल क्या कोई स्पेशल वे है इसको मीन्स I mean, इसको रखने के लिए कि किस तरह से आप इसको अच्छे से इसका ध्यान रख सकते हैं तो कौन सा स्पेशल वे है तो क्या कर सकते हैं कि वी क्लीन एंड बाथ इसको नहलाना और साफ रखना क्लीन एंड बाथ द डोग रेगुलरली ये नहीं कि एक महीना हो गया दो महीने हो गए इस तरह से नहीं उसको रेगुलर इंटरवल पर क्लीन करना चाहिए नाउ डज़ इट गेट एंग्री क्या ये कभी कभी एंग्री भी हो जाता है एंड वेन कब होता है हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री और कैसे पता चलता है सो इट्स नॉर्मल है कि कोई भी डॉग है या कोई भी है तो हमेशा गुस्सा तो आता ही है अब किस बात पे आता है वो डिपेंड करता है सो so अब यहाँ पर कोई भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल इट गेट्स एंग्री वैन इट्स सीज सम वन अनोन जब इसे कोई अननोन दिखाई देता है तो क्या होता है ये गुस्से में आ जाता है एंड वेन इट्स गेट एंग्री इट्स स्टार बार्किंग तो बार्क करता है जोर जोर से भोगने लगते हैं ना सो तो एंग्री होता तो डोग इसी तरह से अपना दिखाएंगे नाउ डज़ इट हैव हेयर एंड फैदर ऑन द स्किन तो क्या है इनके हेयर होते हैं कैन यू सी इट्स एयर ईयर्स आपको दिखाई देते हैं येस इज इट अ बेबी और young एनिमल बेबी है यंग एनिमल या फुल ग्रोन है सो so, अगर आपके पास है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं अदरवाइज आप ये आंसर भी लिख सकते हैं और इसका जो सोल्यूशन अलग से भी दिया है विल दिस pet एनिमल ले एग और गिव बर्थ अब ये क्या करता है बर्थ देता है बेबीज़ को गिव बर्थ टू तो बेबीज नेक्स्ट है डज इट हैव यंग वंस क्या कोई यंग वंस भी हैं सो आंसर बिल भी जो भी आपका आंसर वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द एनिमल एंड कलर इट उसके बाद आपको उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसे कलर करना है नाउ लुक एट दिस पिक्चर अब इस पिक्चर की तरफ देखो कलर द पार्ट्स विच हैव बिन नंबर टू फोर सिक्स एट मीन्स जो इवन नंबर है आपको उनको कलर करना है फॉर एग्जाम्पल जो भी इवन नंबर्स हैं जैसे ये है आपका ये इवन नंबर हो गया तो इसको कलर करना है मीन जो ईवन नंबर है आपको सिर्फ उस पार्ट को उसको कलर करना है बाकी पार्ट को नहीं करना है तो ये जो पिक्चर है ये पूरी कलरफुल हो जाएगी फिर उसके बाद में तो ये आपका पार्ट हो जाएगा ये आप चाहें तो आराम से या जैसे भी आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग उसे अलग कलर से भी कलर कर सकते हैं जस्ट आपको क्या करना है उसे कलर करना है एंड देन कलर करने के बाद आपको क्या करना है कलर करने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल आपको इस एनिमल का जो है नेम जो है फाइंड आउट करना है कि इस एनिमल का नेम नाम क्या है सो so, इसका नाम क्या है इस एनिमल का इसे हम बोलते हैं डायनासोर सो मैनी मैनीयर्स अगो देअर वर डानासोर ऑन द अर्थ पहले डायनासोर्स भी थे अर्थ पर बट नोट एनिमोल लेकिन अब नहीं है नाव वी सैन सी दैम इन द फिल्म हमें सिर्फ ये फिल्म में फोटोज में एंड बुक्स में दिखाई देते हैं फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर एंड शेयर विद योर फ्रेंड अब आप जो है अपने फ्रेंड से भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं सो हैव यू सीन एनी एनिमल डेट लुक लाइक अ लिटल डायनासोर एंड डू यू नो इट्स नेम अब आपने कोई ऐसा एनिमल देखा जो छोटे डायनासोर जैसा दिखाई देता है तो वो एनिमल क्या होता है लिजर्ट आप देखेंगे तो डायनासोर्स की तरह ही होता है छोटा डायनासोर आप उसे बोल सकते हैं नाउ लुक एट दिस एनिमल राइट इट्स नेम एंड डू यू नो दैट दिस इज नोन दिस इज अवर नेशनल एनिमल अब ये क्या है टाइगर और ये क्या है हमारा नेशनल एनिमल वेयर डज इट लिव अब ये कहाँ रहता है इट लिवस इन द थिक वाइल्ड फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड ऐसी जगह पर वो रहते हैं द नंबर ऑफ द एनिमल्स आर गोइंग डाउन इन इंडिया डिस्कस वाई कुड दिस इज हैपनिंग अब ये ऐसा हो क्यों रहा है अब इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं फर्स्ट जैसे हंटिंग बहुत ज़्यादा हंटिंग की जाती है इनकी स्किन के लिए बोन के लिए देन डिफोरेस्ट्रेशन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है अगर फॉरेस्ट को कट करेंगे तो इनके रहने के लिए जगह नहीं बचेगी जिस वजह से इनका जो नंबर है इंडिया में कम हो रहा है ना ये जस्ट एक छोटा सा है कि आप इस तरह से अपना बना सकते हैं सो ये था आपका चैप्टर नंबर टू एयर टू एयर और इसके क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी जो हैं मीन्स दिए हुए हैं इसी के नीचे ही आपको मिल जाएंगे सो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं जैसे आपको बुक में लिखने बिल्कुल एज इट इज सो so, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू